ये मूवी माइकल एडी एडवर्ड के जीवन पर आधारित एक सच्ची कहानी है, जिनका बचपन से ही सिर्फ एक ही सपना था कि वो ओलंपिक का हिस्सा बनकर एक ओलंपियन बने। लेकिन हर एक इंसान को, यहाँ तक कि उनके पिता को भी, यकीन था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। माइकल ने अपने जीवन में कितना ज़्यादा संघर्ष किया है, आज हम इस मूवी की कहानी में देखने वाले हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग 1973 से होती है, जहाँ पर हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है, जिसका नाम माइकल एडी एडवर्ड होता है। माइकल ओलंपिक्स में जाना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले उसे ओलंपिक्स में भेजना नहीं चाहते। पर फिर भी माइकल अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ता, जितनी ज़्यादा हो सके वो अपने आप खुद से ही प्रैक्टिस करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन माइकल के फादर उसे बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम कभी भी ओलंपियन नहीं बन सकते, इसलिए कल से तुम मेरे साथ काम पर चलोगे। अगले दिन माइकल के फादर माइकल को अपने साथ काम पर ले जाते हैं। वहाँ पर माइकल कुछ लड़कों को स्किंग करते हुए देखता है और वो मन में विचार बना लेता है कि वो ओलंपिक के लिए इसी स्किंग फील्ड में आगे बढ़ेगा। इसलिए माइकल अब डेली स्किंग करना शुरू कर देता है। इसके बाद अब हमें डायरेक्ट साल 1987 का सीन दिखाया जाता है और इन बीते हुए सालों में माइकल ने बहुत सारे पुरस्कार जीते होते हैं। माइकल अब बड़ा हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश ओलंपिक अथॉरिटी ओलंपिक में जाने वाले ओलंपियन को सिलेक्ट करती है। माइकल की गेम बहुत अच्छी होने के बावजूद भी उसको ब्रिटिश अथॉरिटी ने सिलेक्ट नहीं किया होता। अब ये देखकर माइकल को बहुत दुख होता है, क्योंकि जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए थे उनमें सबसे अच्छी गेम माइकल की ही थी। लेकिन माइकल में एक कमी थी, और वो थी कि माइकल पैसों से अमीर नहीं था, और यही रीज़न था कि माइकल को ओलंपिक के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। इसके बाद अगले दिन माइकल अपने फादर के साथ काम पर जाता है और वहाँ पर उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम ओलंपिक का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अमीरों की ही सिलेक्शन होती है। माइकल ये सब सुनकर बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करेगा। माइकल टीवी पर स्किंग मैच देख रहा होता है और तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और वो उड़कर सीधा ब्रिटिश ओलंपिक के हेडक्वार्टर लंदन चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ब्रिटेन की आखिरी स्किंग जंपिंग की जो टीम थी वो सन 1929 में थी और उसके बाद कभी भी कोई टीम नहीं बनी, क्योंकि उन्हें अभी तक ऐसा कोई प्लेयर नहीं मिल सका जो स्किंग जंपिंग कर सके। इसके बाद माइकल बाहर आकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि अगर वो अच्छा प्लेयर बन गया तो वो ब्रिटेन के लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकता है। माइकल अब स्किंग जंपिंग की अच्छे से ट्रेनिंग चाहता है और इसलिए वो जर्मन जाना चाहता है, लेकिन उसके फादर उसे एक बार फिर से रोकते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें प्लास्टर का काम सिखाऊंगा। लेकिन माइकल ने अपने इरादे अब मजबूत कर लिए थे, इसलिए वो जर्मनी तक आ जाता है। लेकिन माइकल के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो रात को एक रूम लेकर रह सके, इसलिए वो एक बार में जाता है और सबके जाने के बाद बार के स्टोर रूम में जाकर सो जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब बार की ओनर आती है तो वो देखती है कि स्टोर रूम में एक का सोया हुआ है। अब माइकल के उठने पर जब वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, तब माइकल उस लेडी को अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं एक स्किंग जंपर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक रूम लेकर रह सकूँ। माइकल की बातें सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें यहाँ के सारे काम करने होंगे। अब माइकल बहुत खुश हो जाता है और वो मान जाता है, क्योंकि उसे रहने के लिए एक छत मिल चुकी है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अब माइकल अपनी प्रैक्टिस के लिए जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले 15 मीटर की जंप ट्राई करता है और वो 15 मीटर की जंप बहुत आसानी से कर लेता है। उसे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान है, इसीलिए वो कहता है कि अब मैं 40 मीटर की जंप ट्राई करता हूँ। लेकिन जब वो 40 मीटर की जंप करता है तो वो बहुत बुरी तरह से गिरता है। वो 40 मीटर की जंप कई बार ट्राई करता है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। उसे काफ़ी चोट भी लगती है, दरअसल ये इतना आसान भी नहीं होता, और अभी उसे नहीं पता कि लैंडिंग कैसे करनी होती है। इसलिए माइकल अब समझ जाता है कि उसे एक गाइडर की, एक कोच की ज़रूरत है। वो एक कोच के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे लैंडिंग करने में प्रॉब्लम है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि लैंडिंग कैसे करते हैं। वो कोच माइकल से पूछता है कि तुम स्किंग जंपिंग कब से कर रहे हो। माइकल कहता है कि कल से। वहाँ पर खड़े सभी लोग काफ़ी हंसते हैं और वो कोच कहता है कि स्किंग जंपिंग बच्चे 6 साल की उम्र से करना शुरू कर देते हैं, तब कहीं जाके वो परफेक्ट लैंडिंग कर पाते हैं। तुमने बहुत देर कर दी है, इसलिए अब तुमसे ये नहीं हो पाएगा, और वो माइकल की मदद नहीं करते। माइकल फिर से 40 मीटर की जंप के लिए जाता है और जब वो 40 मीटर की जंप ट्राई करता है तो वो एक बार फिर से बहुत बुरी तरह से गिरता है। वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ की बर्फ को लेवल पर रखने का काम करता है। वो माइकल को देखकर कहता है कि तुम ये ट्राई ना करो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, और 70 मीटर की जंप तो बिल्कुल भी ट्राई ना करना, नहीं तो मुझे यहाँ से तुम्हारी हड्डियाँ उठाकर ले जानी पड़ेंगी। इस आदमी का नाम ब्रॉन्सन पियर ही होता है।
इसके बाद दिखाया जाता है कि जब माइकल बार में जाता है तो वो लेडी माइकल को एक मैगजीन दिखाती है, उसमें ब्रॉन्सन की भी तस्वीर होती है। और अब माइकल को पता चल चुका है कि ब्रॉन्सन अपने टाइम में एक बहुत अच्छा स्किंग जंपर था, लेकिन उसकी शराब की बुरी हैबिट की वजह से उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया था। अब माइकल को पता चल चुका है कि ब्रॉन्सन अपने समय का एक चैंपियन था, इसीलिए वो ब्रॉन्सन के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप मुझे ट्रेन करो, मेरे कोच बन जाओ, लेकिन ब्रॉन्सन उसे मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार ब्रॉन्सन उसी बार में आता है जहाँ पर माइकल एडवर्ड काम करता है। माइकल वहां पर एक बार फिर से ब्रॉन्सन से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसे फिर से मना कर देता है। हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लड़के हैं जो कि स्किंग जंपर हैं, वो सब मिलकर ब्रॉन्सन और माइकल की मजाक उड़ाते हैं, ब्रॉन्सन को शराबी बोलते हैं। और जब ब्रॉन्सन उनसे लड़ने के लिए जाता है तब उनका कोच वहां पर आ जाता है और वो ब्रॉन्सन को एक पंच मारता है जिससे ब्रॉन्सन बेहोश होकर गिर जाता है। जब ब्रॉन्सन की आँख खुलती है तब वो फैसला करता है कि वो अब माइकल को ट्रेनिंग देगा, इसीलिए वो माइकल को अपने साथ ले जाता है और उसे स्किंग जंपिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है और साथ उसे ये भी बताता है कि लैंडिंग किस तरह से की जाती है। इसके बाद माइकल अब 40 मीटर की ऊंचाई से जंप लगाता है और इस बार ब्रॉन्सन के दिए गए टिप्स की वजह से बहुत अच्छे से लैंड करता है, यानी कि 40 मीटर की हाइट भी अब उसने कम्प्लीट कर ली है। इसके बाद अगली सुबह माइकल सीधा ब्रॉन्सन के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने 40 मीटर की जंप कम्प्लीट कर ली है और मुझे ओलंपिक में जाना है। ब्रॉन्सन कहता है कि ओलंपिक की सबसे छोटी जंप 70 मीटर की होती है और अगर तुमने ये ट्राई किया तो तुम्हारी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। माइकल कहता है कि तुम मुझे ट्रेनिंग दो, मैं 70 मीटर की जंप करूंगा, पर ब्रॉन्सन को पूरा विश्वास है कि वो 70 मीटर से कभी भी नहीं कूदेगा, क्योंकि 70 मीटर की जंप करने के लिए कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है और माइकल ने तो अभी 2-3 दिन पहले ही जंपिंग करना शुरू की है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि माइकल 70 मीटर की जंप के लिए ऊपर चढ़ जाता है और जब वो नीचे देखता है तो वो समझ जाता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। जितनी ऊंचाई उसने सोची थी ये उससे कहीं गुना ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी माइकल हिम्मत करते हुए जंप कर देता है। नीचे बैठा ब्रॉन्सन माइकल को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि माइकल के जंप करने के बाद वो इतने ज्यादा बुरे तरीके से गिरता है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। हॉस्पिटल में ब्रॉन्सन उसे मिलने के लिए जाता है जहां पर उसे एक किताब मिलती है जो कि उसके ही कोच ने लिखी होती है। ब्रॉन्सन के कोच ने उस किताब में लिखा होता है कि ब्रॉन्सन आज तक का मेरा सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट था, उससे मुझे बहुत सी उम्मीदें थी लेकिन उसने ही मुझे सबसे ज्यादा निराश किया है। उसके नशों की हैबिट ने, उसकी बुरी आदतों ने उसे चैंपियन नहीं बनने दिया। वो ये बात कभी भी नहीं समझ पाया कि एक अच्छा चैंपियन बनने के लिए सिर्फ एक अच्छा प्लेयर होना जरूरी नहीं है, बल्कि चैंपियन बनने के लिए कभी भी हार ना मानने का जज्बा भी होना चाहिए। अब यहाँ पर ब्रॉन्सन को एहसास होता है कि उसने ये जज्बा माइकल में देखा है, इसीलिए जब माइकल को होश आता है तब वो माइकल से कहता है कि अगले महीने एक टूर्नामेंट है जिसमें तुम हिस्सा लोगे। वो कहता है कि मैं तुम्हारा कोच नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें लैंड करना सिखाऊंगा। और जब माइकल ठीक हो जाता है तब ब्रॉन्सन उसे जंपिंग और लैंड करने की सारी टेक्निक्स बताता है कि कैसे बॉडी को स्ट्रेच करते हुए लैंड किया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अब वो दिन भी आ गया है जब उसे टूर्नामेंट में जंप करना है और अगर उसने ये जंप सक्सेसफुली कर लिया तो वो विंटर स्किंग जंपिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वो 34 मीटर से जंप करता है और सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। अब ऐसा करने वाला वो पहला ब्रिटिश है जिसने इतनी ऊंचाई से सक्सेसफुली लैंड किया है, मतलब कि अब उसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। माइकल की फोटो अखबार में भी छपती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि माइकल को ब्रिटिश ओलंपिक कमेटी अपने पास बुलाती है और वो उसे कहते हैं कि अभी हम तुम्हें ओलंपिक में नहीं भेज सकते, तुम्हें ओलंपिक में जाने के लिए पहले 61 मीटर की जंप सक्सेसफुली लैंड करनी होगी और इस जंप को पूरा करने के लिए तुम्हें यूरोपियन सर्किट जाना होगा, लेकिन वहां जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। माइकल इस बारे में अपने घर पर बात करता है पर उसके डैड उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ प्लास्टर का काम करो, लेकिन माइकल की मॉम और उसके डैड ने जो गाड़ी के लिए पैसे जमा किए थे वो सारे पैसे लेकर माइकल को दे देती है और साथ ही उसके डैड की गाड़ी भी उसे दे देती है। अब माइकल पैसे और गाड़ी लेकर ब्रॉन्सन के पास पहुंच जाता है। ब्रॉन्सन अब उसे और भी ट्रेनिंग देता है, उसे अच्छे से ट्रेन करता है, नई नई टेक्निक बताता है और फिर ये दोनों यूरोपियन सर्किट के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर माइकल सबसे पहले 43 मीटर की जंप सक्सेसफुली लैंड करता है और फिर 49 मीटर की जंप सक्सेसफुली लैंड करता है। लेकिन ब्रॉन्सन जानता है कि अभी माइकल को बहुत कुछ सीखना है, इसलिए वो उसे साथ साथ प्रैक्टिस और नई नई टेक्निक बताता रहता है और फिर माइकल 61 मीटर की जंप करता है जिसे वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेता है। ब्रॉन्सन ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि अगले टूर्नामेंट में उसे 61 मीटर की जंप करनी है
और अगले दिन टूर्नामेंट में जब वो 61 मीटर जंप के लिए टेक ऑफ करता है तो वो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन लैंडिंग करते समय उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। वो वहाँ की कमेटी से बात भी करता है कि मुझे एक मौका और दिया जाए, मैं सक्सेसफुली लैंड कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ ऐसा करना रूल के खिलाफ था इसलिए उसे दूसरा चांस नहीं दिया जाता। माइकल बहुत दुखी होता है और अंदर से टूट चुका है और जो घर से पैसे लाया था वो भी अब खत्म हो चुके हैं। माइकल अपने घर पर फोन करता है और कहता है कि मैं अगले हफ्ते घर पर वापस आ रहा हूँ, और ये भी बताता है कि आपने जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं वापस आकर डैड के साथ प्लास्टर का काम ही कर लूँगा। उसके डैड कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ और आज के बाद कभी भी स्किंग जंपिंग का नाम भी मत लेना। माइकल कहता है कि ठीक है मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, लेकिन वो वापस जाता उससे पहले माइकल को एक लेटर मिलती है और उसमें लिखा होता है कि तुमने 60 मीटर की जंप को पूरा कर लिया है। दरअसल उन्होंने माइकल की एक दिन पहले की प्रैक्टिस वाले दिन की जंप को रिकॉर्ड किया होता है और अब फाइनली माइकल के पास 61 मीटर की जंप को कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट है, इसीलिए ब्रिटिश के रूल के हिसाब से अब वो ओलंपिक का हिस्सा बन सकता है। अब माइकल ये खुशखबरी ब्रॉन्सन को देता है, लेकिन ब्रॉन्सन अभी नहीं चाहता कि वो ओलंपिक में जाए। वो कहता है कि तुम्हें अभी 4 साल और मेहनत करनी चाहिए और मैं तुम्हें कोच करूंगा, और जब तुम बहुत अच्छे स्किंग जंपर बन जाओगे तब तुम्हें ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए ताकि वहां पर तुम मेडल जीत सको। लेकिन माइकल उसकी बात नहीं मानता और वो इंग्लैंड चला जाता है जहां पर इस साल ओलंपिक होने हैं। लेकिन उसके अपने साथ के खिलाड़ी और उनकी ओलंपिक्स की कमेटी के कुछ मेंबर्स नहीं चाहते थे कि माइकल यहाँ तक पहुँचे, इसलिए उसके साथ के ही खिलाड़ी उसे जानबूझकर शराब पिला देते हैं। वैसे माइकल शराब नहीं पीता, लेकिन उसे मीठी बातों में फंसाकर शराब पिला दी जाती है। अब अगले दिन सुबह उसे हैंगओवर हो जाता है जिस वजह से वो सेरेमनी में नहीं पहुँच पाता, इसलिए कमेटी के लोग बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाना। दरअसल उसकी कमेटी के लोग या फिर उसके साथ आए उसके साथी कोई भी नहीं चाहता कि माइकल एडवर्ड यहाँ पर रहे, वो ओलंपिक में हिस्सा ले और जीते। इसके बाद दिखाया जाता है कि माइकल एडवर्ड के जीवन में अब वो दिन भी आता है जब उसे ओलंपिक में 70 मीटर की जंप करनी है, और 1928 के बाद किसी भी ब्रिटिशियर ने स्किंग जंपिंग नहीं की है और ना ही माइकल ने आज से पहले कभी 70 मीटर की जंप की है। अब माइकल के जंप लगाने की बारी आती है। माइकल 70 मीटर की जंप करने के लिए स्लाइड करना शुरू करता है। उस समय स्टेडियम का माहौल ऐसा था जो माइकल ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, और साथ ही साथ उसे टीवी पर 200 करोड़ लोग भी देख रहे होते हैं। और जब वो जंप करता है तब वो ब्रॉन्सन की हर एक वो टेक्निक को याद करता है, इस्तेमाल करता है जो उसे ब्रॉन्सन ने सिखाई थी, और इस तरह से वो 70 मीटर की जंप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आज से पहले किसी भी ब्रिटिशियर ने इतनी ऊंची जंप नहीं की थी, उसने एक रिकॉर्ड बना दिया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। हालांकि उसकी 70 मीटर की जंप में स्कोर सबसे ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन वो खुश ऐसे होता है जैसे उसने किसी जंग को जीत लिया हो। इसके बाद माइकल ब्रॉन्सन को कॉल करता है और तब ब्रॉन्सन उसे काफ़ी बातें सुनाता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम एक स्पोर्ट्समैन हो ना कि एक जो वहां तुम नाचकर सबको एंटरटेन कर रहे थे, और जब 90 मीटर की जंप होगी तब सब तुम्हें भूल जाएंगे। अब माइकल को ब्रॉन्सन की ये बात बिल्कुल ठीक लगती है, इसलिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और वहां कहता है कि मैं अपनी बचकानी हरकतों के लिए माफी मांगता हूं, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैंने फैसला किया है कि मैं 90 मीटर की जंप के लिए भी हिस्सा लूंगा। वैसे यहाँ मैं सिर्फ 70 मीटर की जंप के लिए आया था, लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि ओलंपिक्स में तभी जाना जब तुम कुछ बड़ा करना चाहो। दरअसल माइकल को ये बात ब्रॉन्सन ने कही थी, और जब टीवी पर ब्रॉन्सन माइकल का ये इंटरव्यू सुनता है तो वो अगले दिन माइकल के पास जाता है। दरअसल माइकल ने बोल तो दिया कि वो 90 मीटर की जंप करेगा, लेकिन उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ब्रॉन्सन कहता है कि ये सिर्फ एक जंप है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो जज्बा है, जो साहस है, वो यहाँ के किसी भी प्लेयर में नहीं है, और यही बात तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। ब्रॉन्सन कहता है कि ये जंप 70 मीटर के जैसे ही होगी, बस इसमें तुम ज़्यादा स्पीड से जाओगे जिससे तुम ज़्यादा आगे तक जंप लगा पाओगे, बस तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन माइकल को ओलंपिक में 90 मीटर की जंप करनी है, और अब फाइनली माइकल 90 मीटर की जंप करता है। जब वो हवा में होता है तब सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर माइकल गिरा तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन माइकल लैंड कर जाता है, पर उसकी लैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती, वो पीठ की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से गिरता वो जैसे तैसे करते हुए अपने आप को संभाल लेता है, और इस तरह से वो 90 मीटर की जंप को कंप्लीट कर लेता है। ये ब्रिटिश का एक नया रिकॉर्ड होता है जिसे आज से पहले किसी ने कभी नहीं बनाया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब माइकल और ब्रॉन्सन चेंजिंग रूम में होते हैं तब वहां पर ब्रॉन्सन का पुराना कोच आता है
वो ब्रॉनसन को कहता है कि मैं तुम्हारे बारे गलत था और फिर उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद जब ये दोनों वापस अपने देश आते हैं यानी कि इंग्लैंड आते हैं तब इन दोनों का एक हीरो के जैसे स्वागत किया जाता है और अब ओलंपिक कमेटी भी माइकल एडवर्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। माइकल की मोम अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और उसके डैड जो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो ओलंपिक का सपना देखे अब उन्हें माइकल पर गर्व होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बस अपने ऊपर विश्वास रखो, एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।